प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 12 से लेकर 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा, सिमोन जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर मैदान में खड़े हो गए। वहां उसके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तिरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अब्दुतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु का स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र वचन में हमने सुना कि प्रभु रात भर प्रार्थना में समय बिताते हैं। एक अहम निर्णय लेने के पहले प्रभु पूरी रात प्रार्थना करते हैं। 12 प्रेरितों का चयन उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने रात्रि जागरण किया और शायद घुटनों के बल पर आकर उन्होंने प्रार्थना की पिता से बातचीत की। पिता से पूछा, प्रभु मुझे एक मेरे मिशन को आगे जारी रखने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, मुझे प्रेरित चाहिए, मेरे उत्तराधिकारी चाहिए, जो वचन तूने मुझे दिया है, जो शिक्षा तूने मुझे इन लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं किन लोगों को चुनूं। और रात भर प्रार्थना करने के बाद वे नीचे आते हैं और 12 प्रेरितों का चयन करते हैं। यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे जीवन में हम कई सारे निर्णय लेते हैं, कई सारी हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हमें कुछ डिसाइड करना होता है। हम कितना प्रभु से पूछते हैं, हम कितनी बार प्रार्थना में हमारी उन आवश्यकताओं को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, मुझे ऐसा कुछ करना है, तू बता मैं क्या करूं। मनुष्य की योजनाएं प्रभु की योजनाएं नहीं होती, इसलिए हम कई बार असफल होते हैं। प्रभु के मार्गों को जानने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब प्रभु यीशु प्रार्थना करके चयन करने आते हैं तो वो फिर मानवीय दिमाग से, मानवीय बुद्धि से, वो एक ह्यूमन पैरामीटर्स को लेकर चयन नहीं करते। वो किनको बुलाते हैं? मछुआरों को, टैक्स वसूल करने वालों को, गरीब लोगों को, यहां तक कि कोई जो बुराइयों में फंसे हुए थे उन लोगों को, ऐसे लोगों को प्रभु चुनते हैं। यदि एक बिना प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति चुनता तो किसको चुनता? बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, या फिर शासन प्रशासन में जो उच्च पद पर हैं, जिनका समाज में दबदबा है, ऐसे लोगों को चुनता। लेकिन प्रभु ने जो हाशिए पर थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जो किसी समाज के अगुवा नहीं थे, जो किसी कुलीन परिवार से नहीं आते थे, राजघराने से नहीं आते थे, ऐसे लोगों को चुना। जिनका कोई प्रभाव नहीं था उनको प्रभावशाली बनने के लिए चुना। प्यारे साथियों, यह प्रभु की योजना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, ज्ञानियों को शर्मिंदा करने के लिए प्रभु ने मूर्खों को चुना। आज भी प्रभु का चयन ऐसा ही है, आज भी प्रभु ऐसे ही बुलाते हैं। आप किसी की भी बुलाहट की कहानी को उठाकर देख लीजिए, किसी फादर सिस्टर से मिलकर पूछ लीजिए कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा, वे किस परिवार से आ रहे हैं, उनमें क्या काबिलियत थी। लेकिन जब प्रभु बुलाता है, प्रभु योग्य बनाता है, प्रभु सामर्थ्य देता है। पेत्रुस जो मछुआरा था, प्रभु को वो मृत्यु के समय से
प्रभु के दुख भोग के समय से प्रभु को छोड़ के भाग जाता है। उसकी मृत्यु के बाद वो अपने पुराने धंधे पर चला जाता है, मछली पकड़ने चला जाता है। नौकरानी के सामने कहता है, मैं यीशु को पहचानता ही नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं, इतना डरपोक। उसको प्रभु ने सामर्थ्यवान बनाया, कलीसिया का अगुवा बनाया, पहला संत पिता बनाया। उसने पेंतेकोस्त के दिन बड़े आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ चुनौती देते हुए यहूदियों के सामने उन्होंने प्रवचन दिया, और उनकी वो यात्रा जब वहां शुरू हुई तो रोम जाकर रुकी, जहां उन्हें क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। तो यह है प्रभु की बुलाहट। मेरे साथियों, हम इस प्रकार से प्रभु की बुलाहट को पहचाने। हम छोटे भी हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, शायद बौद्धिक रूप से हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते, लेकिन हमारी छोटी छोटी काबिलियत को प्रभु बड़ी योजना के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और प्रभु जब बुलाते हैं किस चीज के लिए बुलाते हैं? सेवा के लिए बुलाते हैं, सेवकाई के लिए बुलाते हैं। कुछ भी योगदान हम प्रभु के लिए दे सकते हैं, कलीसिया के लिए दे सकते हैं, उनके मिशन के लिए दे सकते हैं। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना सीखें। सबसे पहली बात कि हम प्रार्थना में हर चीज को लाना सीखें। प्रभु जो कहता है उसके अनुसार अपने कार्यों को करना सीखें, और अपनी कमजोरियों को ना देखते हुए हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे ही अपने आप को प्रभु को समर्पित करना सीखें। तो प्रभु हम टूटे जर्जर इंसानों से भी अपने लिए एक महान इंसान को तैयार कर सकता है, एक महान मिशनरी खड़ा कर सकता है, एक महान अगुवा खड़ा कर सकता है, एक अच्छा पुरोहित बना सकता है, एक अच्छी धर्मवान सिस्टर बना सकता है। हम अपने आप को प्रभु को देना सीखें, कुम्हार के हाथ में मिट्टी की तरह। आइए हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू जैसा मुझे चाहता है वैसा बना, मैं ना काबिल हूं लेकिन तू मुझे काबिल बना। प्रभु हर एक ख्रिस्तीय को अपने काम के लिए बुलाएं, अलग अलग स्तर पे, जरूर नहीं को फादर सिस्टर बने, लेकिन अलग अलग स्तर पे अपनी सेवा के लिए लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में देना सीखें। आमीन।